सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा मुखे वरदां कुशपाशा भेदे कराम प्रभजे भुवनेश्वे। ओम ऋषिर्वाज देव्याह देतत्र महासुरेन्द्रे सिंहासुरावन्न पुरोगमस्ताम् कात्यायनी तोष्टभुरेश्वरावत् विकाश वक्ताज विकासिदासः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद वाद जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि देशम् त्वमीश्वरि देवि तराजयस्य आधारभूता जगतस्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपा स्थितयाद्वैतत् आप्यायते कृष्णफलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवीशाद्यनन्धवीर्या विश्वस्य वीया परमाधिमाया सम्मोहितं देवि समासमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्ता सर्वदेवि वेदः श्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजेत ताते श्रुतिः सव्यपरा परोक्तिः सर्वभूताय देवि स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा सुदेका वा भवन्तु परमोक्त्यः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य सन्ति स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमस्ते कराकाशादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतोषज्ञे नारायणि नमस्ते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वाददाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्ते श्रीकृष्णे विनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाचय गुणमय नारायणे शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणे नमस्ते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बाक्षरिके देवि नारायणे नमस्ते त्रिशूलचन्द्राधिधरे महाविष्णुवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमस्ते मयूरकुक्कुटभृदे महाशक्ति नरे नरे कौमारी रूप संसारे नारायणि नमस्ते
शंख चक्र गदाचार गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतो महाचक्र दष्टो दुर्लभ सुंदरे बराह रूपिणे श्रिये नारायणी नमस्तुते नृसिंह रूपे डोग्रेण हन्तुं नित्याङ्गितोद्यमे तैलोक्यदान सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिणि महावज्र सहस्र नयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चन्द्रे नारायणी नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हर दैत्य महाबले घोररूपे महाराभे नारायणी नमस्तुते दंशाकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्ज महाविद्ये सत्ये पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वतीवरे भूतिभावविदामसि नियते सम्प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनतय भूषितम् पादुना सर्वभेदेभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकराल मध्यक्रमशेषासुरसोधनम् त्रिशूलं पादुनोर्भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते हृदस्य यज्ञसेनानि स्वनेनापूरया जगत् सा खण्डा पादुनो देवी पापेभ्यो नः सुदानिव असुरासिग्वसापङ्गजिसब्देकलोजरः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिकेतां नतावयाम् रोगान् शेषानपहांसि दुष्टान् रुष्टातु कामान् सगरानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाशयतां भयान्ति एताग्रतं यत्कदनां भयाध्य धर्मात् सां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममोदे किष्टामि चेद प्रकरोदिगान्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु भाग्येषु नगादधन्याम् ममात्वदर्देति महान्धकारे बिभ्रामयत्ये तदेव विश्वम् रक्षासि यत्र गविशाप्सनागाम् यत्रारयोदशुबलानि यत्र दावानलोयात्र तथाब्धिमध्ये तत्र सितातं परिपाशि विश्वम् विश्वेश्वरितां परिपाशि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाय त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरवीद नित्यं यथा सुरवगा तदुमेव सद्यः पापानि सर्वजगदां प्रशमं नयास उत्पादपाकजनितार्षमहोपसर्गान् प्रणानां प्रसीदत्वं देवि विश्वादिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीरलोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदां सुरगणा वरं जन्मनशेच्छता त्वं मनुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊजुः सर्वावाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अग्निरेश्वरी एवमेव त्वयाकारम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्यो वाच वैलस्य अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे
Shumbhanu Shumbha Chaivanya Bhutta Sede Mahasaram Nanda Gopa Grihe Yadha Yudhodha Galva Sambhava Tatastho Nacha Jishyami Dindya Jalanivasani Punarabhya Dhirabdena Rupena Pitavitare Avadiraha Nishyami Vipa Jinda Sudhanavan Bhakshyanda Chutanukram Chattu Chitta Mahasaran Ratta Dandava Vishyandi Larimi Kusamopama Tato Mam Devata Sarge Matya Loke Jamanava Suvanjo Gaha Rishyandi Sadam Ratta Dandigam Bhuyaccha Chattva Chitya Mana Vishta Manam Vasi Muni Visham Sudha Bhuma Sambha Vishyam Niyoniyan Tathāśadena nirtānāṁ nīśyāmi yanmanīn Kīta yasyandi manujāḥ sadākṣīmiti māndatāḥ Tathāḥam akhilam lokam ātmadeha samudbhavīm Bahiśyāmi sarhāsāgī avishtrihi pranadārakīm Śākam bharīti vikhyātam tathāyasyamiham bhavīm Tante varavadishyāmi durgamākyam mahāsaram Durga Devi Ti Vikhyatam Tanme Nama Bhavishyate Punashyam Jalavimam Rupam Vitva Himachale Rakshyam Divakshya Yishyami Muni Nam Tanakarinat Tadama Muni Asarve Sosyam Dhyanam Namotayaham Bhima Devi Ti Vikhyatam Tanme Nama Bhavishyate Jagannatha Sailoke Mahavadam Garishyate Tadam Brahmaram Rupam Kripta Sangeshapadam Sailokya Sailadaya Vajushyami Mahasaram Brahmariti Chamam Loka Sarasa Jandi Sarvataha Ikham Yada Yada Vada Dhana Vata Vavishyate Tadatulavatiyaham Karishyamyari Sansayam Om इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युन्दाम समप्रभाम् ऋगपदेम् स्कन्धसिधाम् भीषणाम् कन्या विकरवालखेदविलसत् हस्ता विराधे विधाम् हस्ते चक्रगदाधिखेदविशिखाम् Chabam Gunam Najanim Vibhrana Madalatmikam Shashidharam Durgam Dinetam Bhajim Om Devyo Vacha Devisavecha Manityam Sojadeya Samahitaha Tasyam Zagravaga Nashishyami Sansiyam Madhukaitavanajam jamahishasurikatanam Ketajashyandiyetavavalam shambanishambayam Ashtamyam jachadaradashyam navamyam jekajetasaham Shochandijayvadevakyam amamahatmyamuttamam Nathesam durchitam genji durchitotanajapadaha Bhavishyadinatarujam nathesvishyayanam Shattudona vayam dasya dasyudhavanarayataha Nashastana vasoyoga kalasetnam bhavishyate Tasmanamaitan mahatyam paditabhyam samahite
श्रोतव्यम च तदा भज्ञा परं सज्जयनमिदात् उपसर्गान् शेषादो महामारी समुद्भवान् तदाद्यविमुक्ताद महाक्षमये नमः यच्चैतत्पच्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदानादद्य भोक्ष्यामि सान्निध्यं दत्त मे स्थिताम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं शाप्यमे भज जानता जानता वादि बलिपूजा निराकृताम् प्रदेक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृताम् शरत्काले महापूजा क्रियते याजवार्षिके तस्यान्ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाभागार्विनिर्मुक्तो धनधान्य सदान्वितः मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं ददा चोत्पत्त्याशुवाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् हरिपवा संशयं जान्ते कल्याणं च भवद्धते नन्दजे च कुलम्बोदमाहाशेणुताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दोषप्रदर्शने ग्रामीरासु चोग्रासु महादंशिनय मम उपसर्गः शमं जान्ति ग्रहपीडाश्च दारिणा दुःस्वनं च निर्दिष्टं सुस्वनमवजायते बालकः विभूतानां बालानां जान्ति कारकम् सङ्घादेवेतनीनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकलम्बरम् रक्षो भूतपिशाचानां बलनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपे च गन्धदीपे तदर्थमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीये अहनशम् अन्ये च विविधे रोगे त्वदानेवत्सरेण या प्रीतिर्मेते सात्यं सक्ते सुजनिते श्रुते शुभं भारति पापाणि तदारोग्यं वयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनाग्ये दिनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टशक्त्यादिवर्हनं कस्मे सुरे वैरिकृतं भयं मुंसां न जायते जुष्वादि सुरयोजाश्च जाश्च ब्रह्मा च विकृता ब्रह्मणा च कृता दातो प्रयच्छन्ति शुभामदे अरण्ये प्रान्तरे वागि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वाविदाशून्य गृहेतोपापि शत्रुभिः सिंहव्याज्ञानुजातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्ञाकृत्येन जाग्रतो मद्यबन्धगतोऽपि वा आघोनितो वातेन चिदा बोधे महानवे पथस्तु जाविशस्तेजो सङ्ग्रामे विशदारणे सर्वाभागासु घोरासु वेदना व्यथितो विवा शरण्ममेतच्चरितं नरो चेतसङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाजादस्य भोवेरिनस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतज्जयितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां सत्येवान्दीयत ये विदेवा निरातङ्का स्वाधिकारा यदा पुरा यज्ञभागभुषा सर्वे चक्रविनिहतार्यः देत्या च देव्या नेत्य शुम्भे देवैवो यदि जगद्विध्वंसने तस्मे महाक्षेत्रविक्रमे निशुम्भे च महावीरे शेषा पादानमाययोः एवं भगवती देवी सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूत जगतः परिपालनम् त्वेतन्मोय देवेश्वं देवविश्वं प्रसूयते साजाजिता च विज्ञानं दुष्टा ऋद्धिं वयश्यते व्याप्तं ते सकलं ब्रह्माण्डमनयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारि स्वरूपया शैव काले महामारि शैव सृष्टिभवत्या सृजिं करोति भूतानां शैव काले सनातने
महाकाल निराम सेवा लक्ष्मी वृद्धि पदाग्रह सेवा भाव तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते सुधा सम्बोधिता पुष्टे धूप गंधा सदा ददातिम बुद्धा च मतिम धर्मे गतिम शुभाम ओ अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिव वाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेण चण्डी आपः शिवो भवेत् न कवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् नारहस्यकम् न शोकम् न विध्यानम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् भवेत् अधिगुह्यतरम् देवी देवा नामपि दुर्लभम् गोमणीयम् बृहत्तेन स्वयमेव पार्वते मारणम् मोहनवश्यम् सम्पदाचारिणादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्वोत्तमोत्तमम् ॐ ऐं क्रीं क्रीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं हौं क्रीं गौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हं सं लं शं वट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुवर्धने नमः कैडवहारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुम्भहन्तेजुम्भासुरगादिनी जाग्रतम् हि महादेवी जगत्सिद्धिम् करुष्य मे ऐकारि सृष्टिरूपाय ऐकारि प्रतिपालिका क्रीकारि कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तु दे चामुण्डा चण्डघाते च जयकारि वरदायिनी विद्ये चावदा नित्यम् नमस्ते मन्दरूपिणीम् घां ह्रीं घों दुर्जटे पत्ने भां ह्रीं भों वागदेश्वरी क्रां ह्रीं क्रों कालिका देवी शां श्रीं श्रों मे शुभं गुरु हों हों कालरूपिण्यै जं 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 मनाधिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवे पद्ये भवान्यैते नमो नमः अङ्गं चण्डं दं वयक्षं बिन्दु ऐविहक्षं धियाघ्रं धियाघ्रं त्रोदय त्रोदय दीपं गुरु स्वाहा पामे मो पार्वती पूर्णा खां ह्रीं हूं केजरे तथा सां ह्रीं सों सप्तशदे जयभ्या मन्दसिद्धिम् करुष्य मे इदन्तो कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्दजागर्तिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपिलम् रक्ष पार्वती जस्तु कुञ्जिकया देवी हीनाम् सप्तशतीम् पठेत् नातस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनम् यथा ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा अब दुधारा जगा नमस्ते शरण्य श्रीदेशानुगम्ये नमस्ते जगद्व्यापिते देवेश्वरूपे नमस्ते जगद्वाजपालारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी नमस्ते जगज्जमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी साहि दुर्गे
Yeah.
सरस्वती वंदना रवि Right.
जगदम्बिके इदानीं अनुगम रोहम जगेन्द्रजे तथा गुरु अज्ञानाधिपते राजन्योऽनं मलिकां निदां सन्दर्भं सम्यदां देवि प्रतिदा परमेश्वरि कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे देहानाचाहिमान्नेत्या प्रसीदा परमेश्वरि भूयादि गुह्यगोत्रिकां देहानाचाहिमान्नेत्या जपां सिद्धिर् भवतु मे सचियां जोता बली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पद्मय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप ही ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव वाक्य ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता जयकारा शेरां वाली जीदा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ते सम्मता यन पदेशु धनानि तेषां तेषां जशांसि नच सीति धर्म वर्गा धन्यास एव निपितात्म भित्त धारा येषाम सदा प्रसन्नता भवति प्रसन्ना। सदा अभिधेय प्रदान करने वाली माँ आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं भी देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और जश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और मृत्यु साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी सकलाणि सदैव कर्मा नत्ता प्रतिदिन सुखदी करोति स्वर्गम प्राय तदो भवति प्रसादा लोक ते फलदा ननु देवी तेन। देवी आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय मनोवांछित फल देने वाली है। दुर्गे स्मिता हरसि भीति शेष जंतो स्वस्थे स्मिता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख व्यवहार निकात धन्या
सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणी का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जिन जिन भक्तों ने पूर्व काल में माँ लक्ष्मी की आराधना की है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है और इच्छानुसार सार जो फल प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल में धर्मध्वजा कुशध्वज नाम के दो राजा थे जो माँ लक्ष्मी जी के अनन्य उपासक थे। उनमें राजा कुशध्वज की पत्नी मालावती ने लक्ष्मी के अंश से एक कन्या को जन्म दिया जिसने जन्म के समय ही वेद मंत्र का उच्चारण किया, इसलिए मुनिजन उनको वेदवती के नाम से पुकारने लगी। जन्म के समय ही उसका जो उसने बड़ा रूप धारण कर लिया और कमंडू लेकर वो वन में तपस्या के लिए चली गई। यद्यपि मुनियों ने उसको ऐसा करने से रोका परंतु उसने एक मनंतरता भगवान विष्णु की आराधना करते हुए जो वहां व्यतीत किया गंधमादन पर्व पर, और फिर भी जबकि वो निराहार भी रही उसका जौवनकार जो बना रहा। उसने स्पष्ट अक्षरों में यह आकाशवाणी सुनी कि स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से जन्म लेके तुझे पति रूप में प्राप्त होंगे। इससे वो प्रसन्न हो गई परंतु उसने तपस्या को नहीं छोड़ा और वो पुनः तपस्या करना उसने प्रारंभ कर दिया। वहीं एक दिन उसने अपने पास डीठ रावण को देखा और अतिथि भाव से युक्त होकर उनके उसने उनको पद दिया, जो मधुर फल खाने को दिए, शीतल जल दिया और रावण फल ग्रहण करने के पश्चात वहीं उसके पास बैठ गया। उसके शरद ऋतु के समान विकसित कमल के समान मुख को देख करके वो काम मान से मूर्छित हो गया और वेदवती को वायु से खींच करके वो श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लगा, जिससे वेदवती क्रोधित हो गई और उसने अपने मंत्रवाद से रावण को स्तंभित कर दिया, अर्थात वो हिल डुलने में असमर्थ रहा। उस समय वह उन देवी की शरण में गया। देवी ने उसको इसका फल अगले जन्म में देने के कहा परंतु ऐसा उससे कहा कि तूने काम भाव से मेरा स्पर्श किया है, अतः अगले जन्म में मैं गर्भ से जन्म ना लेकर के तुझे जो परिवार से तेरे परिवार का नाश कर दूंगी। इस प्रकार अगले जन्म में वो जनक की पुत्री सीता हुई जिसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पति रूप में प्राप्त हुए। और काल से प्रेरित होकर राम जी एक दिन पिता की आज्ञा को चिरोधार्य करके वन में चले गए। उनके साथ लक्ष्मी थे और सीता जी। एक दिन संध्या के समय उन्होंने विप्रूप धारण किए अग्निदेव को देखा। अग्निदेव जी राम जी को देख करके दुखित हुए और उन्होंने कहा कि राम, ये जो समय है ये सीता हरण के समय में आपके समक्ष उपस्थित हो है, इसलिए आप जो वास्तविक सीता मुझ में स्थापित करके मेरे द्वारा योग द्वारा जो रची गई जो माया सीता उसको ले जाकर के आप वन में जाओ। और इस प्रकार राम जी ने लक्ष्मण को बताए बिना जो अग्निदेव की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। अग्निदेव ने योग माया की सीता बनाई और वास्तविक सीता अग्निदेव में स्थापित करके राम जी योग माया द्वारा जो सीता रची उसको लेकर के चल पड़े। उस छाया सीता ने स्वर्ण मृग देखा और राम जी को लाने के लिए कहा। राम जी ने जब उसका वध किया तो वो मारीच जो रावण का मामा जिसने स्वर्ण मृग धारण किया था वह वैकुंठ में द्वारपालों का सेवक था, वो हा लक्ष्मण कहता हुआ पुनः अपने विग्रह को प्राप्त हुआ। उधर हा लक्ष्मण ऐसा आर्तनाद सुन करके सीता ने लक्ष्मण को राम जी का पता लगाने के भेजा और पीछे से रावण ने कुटिया में आकर के साधु वेश में सीता का हरण कर लिया। जब राम जी कुटिया में आते हैं तो सीता को ना देख कर मूर्छित हो जाते हैं। फिर उन्होंने वानों की सहायता से सेतु बांध करके लंका में जाकर परिवार से रावण का वध किया और छाया सीता को वापस लाया। अग्नि परीक्षा हुई, वास्तविक सीता राम जी को प्राप्त हुई और छाया सीता कहने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उस समय राम जी ने तो अग्निदेव ने उनको कहा कि आप पुष्कर क्षेत्र में जो तपस्या करो इससे आप स्वर्ग लक्ष्मी होंगी। 3 लाख जो वर्ष तक उसने तपस्या की और वह स्वर्ग लक्ष्मी हुई और वही बाद में यज्ञ कुंड से द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी हुई जिसको 5 पांडुपति के रूप में प्राप्त हुए। तो ऐसी शंका होती है किस प्रकार उसको 5 पति प्राप्त हुए। ऐसा लिखा है कि वो छाया सीता जब शंकर जी आराधना कर रही थी तो उसने काम भाव से प्रेरित होकर 5 बार पति के लिए प्रार्थना की और शंकर जी ने ऐसा ही वरदान दिया कि तुझे 5 पति होंगे, पति प्राप्त होंगे और 5 पांडव शंकर जी के आशीर्वाद से उसको पति रूप में प्राप्त हुए।
राम जी रावण का वध करके उन्होंने विभीषण को लंका दी और स्वयं 11,000 वर्ष तक वो राज्य करके पुनः देवलोक को प्रस्थित हुए। वेदवती जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई थी वो पुनः लक्ष्मी के विग्रह को प्राप्त हुई। उसी के मुख पर चारों वेद मूर्तिमान रूप में स्थापित रहते थे, इसलिए भक्तगण को वेदवती के नाम से कहते थे। कहने का तात्पर्य यही है कि उन राजाओं ने लक्ष्मी की आराधना की थी और वेदवती के समान उनको जो पुत्री प्राप्त हुई। सत्य युग में वेदवती, त्रेता में जो सीता तथा द्वापर में द्रौपदी, तीनों कालों में होने के कारण उनको त्रिहारिणी भी कहा गया। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती हैं। आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपर के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही हैं। जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं, इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक्त प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवल रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ह्रीं के चरण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर, गृहस्थी, देश विदेश में सिद्धिमान प्राप्त होता है। और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस इनवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी चे। 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 कन्या ज्योता वाली माता तेरी सराही जय, जयकारा शेरा वाली जीरा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीरा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। ओ मेरे गिनियों ना अपराध माँ मेरी शेरवाली, गिनियों ना अपराध माँ मेरी शेरवाली, माँ मेरे गिनियों ना अपराध माँ मेरी शेरवाली, हाथ ऊपर उठाकर वाचन हाजिर देंगे। पतित
पावन तेरो नाम माँ मेरी शेरवाली भगत पावन तेरो नाम माँ मेरी शेरवाली ओ मेरे गिरियों ना अपराध माँ मेरी शेरवाली कृपा करो महारानी हम पर कृपा करो महारानी हम पर कृपा करो महारानी हम पर कृपा करो महारानी तू सबके संवारे काज माँ मेरी शेरवाली ओ सबके संवारे काज माँ मेरी शेरवाली मेरे गिरियों ना अपराध माँ मेरी शेरवाली मेरे गिरियों ना अपराध माँ मेरी शेरवाली माँ मेरे गिरियों ना अपराध माँ मेरी शेरवाली मेरे गिरियों ना अपराध माँ मेरी शेरवाली पिंडी रूप में दर्शन तेरे माँ मेरी शेरों वाली मेरे गिरियों ना अपराध माँ मेरी शेरों वाली मेरे गिरियों ना अपराध माँ मेरी शेरों वाली मेरे गिरियों ना अपराध माँ मेरी शेरों वाली तेरे प्यार में मैं खो जाऊं तेरे प्यार ओ
लाटों वाली माँ मेरी लाटों वाली जयकारा शेरोवाल जी का सच्चे दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा श्री नमलिदा तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से दूर जोर जान चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से दूर जोर जान चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से जोर जोर चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से जोर जोर चढ़ता काम करता तेरी शक्ति से ही सुर जोर चाँद चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से सुर जोर चाँद चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से ही सुर जोर चाँद तुम्हें भूल के दास उठाते हैं तुम्हें भूल के दास उठाते हैं तब शरण में तीर मारते तब शरण में हम आते हैं तुम्हें भूल के दास उठाते हैं तुम्हें भूल के दास उठाते हैं तब शरण में तेरी हम आते हैं तब शरण में तेरी हम आते हैं तेरी तेरा नाम हो जाना पाप रहता जल दया दया तेरी जयकार करता कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से सुर जोर काम करता तेरी कृपा से जग काम करता तेरी शक्ति
ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ
दुखड़े सुनावा दार तेरे आवादा दिए केड़े वेले दुखड़े सुनावा दुखड़े सुनावा ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਪਈ ਕੱਟਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਪਈ ਕੱਟਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਹਟਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਪਈ ਕੱਟਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਪਈ ਕੱਟਦੀ ਰੋ ਰੋ ਵਕਤ ਲੰਘਾਵਾ ਦਾਤੀਏ ਰੋ ਰੋ ਵਕਤ ਲੰਘਾਵਾ ਰੋ ਰੋ ਵਕਤ ਲੰਘਾਵਾ ਦਾਤੀਏ ਤੇਰੇ ਆਮਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਮਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹਟਾ ਦੇ ਤੂੰ ਮਈਆ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਮਈਆ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹਟਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਮਈਆ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਮਈਆ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਤਪਾਵਾ ਦਾਤੀਏ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਤਪਾਵਾ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਤਪਾਵਾ ਦਾਤੀਏ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਤਪਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਲੇ ਵਾਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇ ਵਾਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਲੇ ਵਾਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇ ਵਾਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇ ਆਵ ਗੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਦਾਤੀਏ ਆਵ ਗੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਆਵ ਗੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਦਾਤੀਏ ਆਵ ਗੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਸੁਵ ਸੁਵ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀਏ ਆ ਜਾ ਸੁਵ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀਏ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਜਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਜਾ ਸੁਵ ਸੁਵ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀਏ ਆ ਜਾ ਸੁਵ ਸੁਵ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀਏ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਚਮਨ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਜਾ ਆ ਜਾ ਚਮਨ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਜਾ ਤੁਹਾਰੇ ਖੜਾ ਖੁਰ ਲਾਵਾ ਦਾਤੀਏ ਤੁਹਾਰੇ ਖੜਾ ਖੁਰ ਲਾਵਾ ਤੁਹਾਰੇ ਖੜਾ ਖੁਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਵਾ ਦਾਤੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ
सुनावा खेड़ मेरे दर तेरे माता तेरे मेरे दुखड़े सुनावा जयकारा श्री वालिदा और सच्चे दरबार की जय ओम सिंहस्था छठ शेखर मरकत कक्षे चतुर्भिर्भुजे शंख चक्रधनु चरण चदति नेत्रे शिवि शोभिता आमुक्तांगदहार कंकण रण कांचीरनूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारणी भवतु नो रत्नोल सत्कुंडला सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय गौरव शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज सत्यनारायण व्रत के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्दतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यज्ञे कृतेन त्वं तन्वं वर्धयस सत्याः सन्तु जडमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयोऽस्तु क्षीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभम् सत्सम्बत्सम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत में स्वर आरती लिखी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मैया जय आनंद करनी तुम को निज दिन जावत मैया जी को निज दिन जावत हरि अम्बारी भरी ओम जय अम्बे गौरी मांगत दूर विराज जी को मृग मद को मैया जी को मृग मद को जल से दो नैना ओ जल से दो नैना गंग बदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान सदेव सप्तांग रराजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प दल माला Thank you.
संहार सोनित वीर हरे मैया सोनित वीर हरे साधु कहे जब दो मारे साधु कहे जब दो मारे तोरा भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी पानी रुद्राणी तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी काल नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भोजाचार अति शोभित कर मोचाधारी मैया वर मोचाधारी वाचित फल पावत सेवक नर ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराज अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राज श्री माल के तुम्हें राज प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया हूँ माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया हूँ देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु कैटभ मारे रक्त बीज मधु कैटभ मारे सुम्भरि सुम्भ असुर संहारे सुम्भरि सुम्भ असुर संहारे किया भक्त कल्याण चरण माया किया भक्त कल्याण चरण भरमाया विषयों में भरमाया अपन कुट काम
अभी परम पूजनीय श्री प्रहलाद महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिल बोलो जय माता दी, राहे मेला जय माता दी, संध्या मेला जय माता दी, आरती मेला जय माता दी, आप बुलांदी जय माता दी, कष्ट मिटांदी जय माता दी, मेरा करदी जय माता दी, झोलियां भरदी जय माता दी, घर खजाने जय माता दी, सोला आने जय माता दी, मोटा भरदी जय माता दी, वीर देंदी जय माता दी, लाल देंदी जय माता दी, पानी चुनिया जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, हाथ भी खोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोटा वाली जय माता दी, लट्टा वाली जय माता दी, चोलियां वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, जय माता दी, हाड़ा वाली जय माता दी, मंदरा वाली जय माता दी, संध्या वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, जग कल्याणी जय माता दी, बाबा रानी जय माता दी, बिंदी रानी जय माता दी, दास देवी जय माता दी, सचिया जोता वाली माता। अभी सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्रहलाद महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय माँ, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर तो सतगड़ी जो चरणा दा ध्यान जय thank you.
वक्रगदेषु चापवरिणां शूलम्बजुण्डिं शरा शङ्खं सन्दधतिं करेस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृता नीलाश्वन्तिमासपाददशका सेवे महाकालिका यामस्तो स्वपिते हरो कमलयो अन्तमजो कैटवम् अक्षतपरशुं गदेषु कुलिशं परमं धनुष्कुण्डिकां भण्डं शक्तिमतिं च चर्मजलजं दण्डासुरावाजनं शूलाम्बासु सुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नानना देवे दीर्घमर्दनी महिमः लक्ष्मी तरोयस्थिता घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसुले चक्रं धनुसायकम् अस्ताभेदलदेवनान्त विलस श्वेताशुकुल्यप्रभा गौरीदेहसमुद्भवांसि जगता आधारभूतामः पूर्वामन्त्रसरस्वती मनुभजे शुम्भादिदित्यादिने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगचरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यां गम्यं वन्दे विष्णु भगवन्तं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मधुकैटवारे गोविन्द गोपाल ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई पंच फूला रानी माता तेरी सदाई सर्वत्रा भला करन वाली माता तेरी सदाई सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदाई झुंकड़ा भीर ढाको तेरी सदाई बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावालिदा बोलो सांचे दरबार की जय। आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।